माड़िये चैंपियन सुष्णीक सिंह हियर। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, रोज का ही होता है, आप बोलोगे यस आज का इम्पोर्टेंट है। और क्यों? टुडे आई विल टेल यू द सीक्रेट बिहाइंड ब्रांड बिल्डिंग। वो क्या है, लेट मी शो यू माई स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। सो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, स्टॉप टेलिंग फीचर्स एंड स्टार्ट टेलिंग बेनिफिट्स। इसका मतलब क्या है, हमारे हमारे जगह पर, हमारी शॉप पर, हमारे शोरूम पर, हमारे होलसेल के ऑफिस में या हमारे ऑफिस में कस्टमर आता है, हम कस्टमर के पास जाते हैं और हम बात करते हैं अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के। सर ये ड्यूरेबल है, ये नया आया है, क्वालिटी बेस्ट है, लॉन्ग टर्म है, गारंटी एक्स वाई जी, ठीक है, ये फीचर्स होते हैं, ये बेनिफिट्स नहीं होते। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू कन्वर्ट योर फीचर्स इनटू बेनिफिट्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये ट्रिक समझ लोगे मजा आ जाएगा, ठीक है। प्लीज टमाटर माई स्क्रीन एग्जाम्पल। एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, बहुत बड़ी बहुत बड़ी। वो मार्केटिंग करने गई, उसके बंदे मार्केटिंग करने गए, एक होलसेल डिपो पे गए, होलसेल के पास गए, शू ले गए साथ में। वो क्या बोलते हैं, सर ये हमारी कंपनी एक्स वाई जी, हम ये शू बनाते हैं और इसमें कमाल के बेनिफिट्स हैं, कमाल के फीचर्स हैं। बोलते हैं क्या है भाई, वो बोलते हैं सर ये लाइट वेट है, ये पीयू फैब्रिक है, डॉक्टर शॉल है, ड्यूरेबल है और रबर फोम इनसाइड है। वो कहता था मैं क्या करूं, व्हाट इज इन फॉर मी, विफम मेरे लिए क्या है। सो हम बात करते हैं हमेशा फीचर्स की, लाइट वेट फीचर है, पीयू फैब्रिक फीचर है, डॉक्टर शॉल फीचर है, ड्यूरेबल फीचर है, रबर फोम इनसाइड फीचर है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। अगर आप कस्टमर को किसी तरह समझा दो इसका बेनिफिट क्या है, द कस्टमर विल सोल्ड टू यू फॉर एवर, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। अब नाउ सी द बेनिफिट्स, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि लाइट वेट है, अगर आप बोलते या वो बोलता सर लाइट वेट है, इसकी वजह से नो टायर्डनेस इवन आफ्टर 12 आवर्स ऑफ वॉकिंग। बेनिफिट, बेनिफिट का एक साइंस होती है, बेनिफिट क्रिएट्स अ इमोशन इन द माइंड, इट ट्रिगर्स इमोशन इन द माइंड कि हाँ भाई मेरे को टायर्डनेस नहीं फील होगी। बेनिफिट का बेनिफिट या फिर आउटकम ऑफ बेनिफिट, समझ गए होंगे आप। सेकंड फीचर पीयू फैब्रिक है, मैं क्या करूं पीयू फैब्रिक, तो बेनिफिट क्या है, नो कलर फेडिंग इवन आफ्टर 100 वॉशेस, ट्रिगरिंग द इमोशन। अच्छा मेरा कस्टमर जिसको मैं बेचूंगा अगर वो धोएगा तो वॉश खराब ना, कलर खराब नहीं होएगा 100 वॉश के बाद भी, क्या बात है। मतलब मुझे काफी टाइम तक यानी कस्टमर को नया शू नहीं खरीदना पड़ेगा, ग्रेट। थर्ड डॉक्टर शोल, मतलब फायदा क्या है, कुशन फील सॉफ्ट टू द एंकल, दोबारा इमोशन ट्रिगर हो रहे हैं अंदर कि मेरे मेरे कस्टमर के पैर को एक कुशन फील होगा, कुशन फील होगा एंकल को, सॉफ्टनेस ट्रिगर इमोशन हो रहे हैं कि रिलैक्स रहूंगा। फोर्थ ड्यूरेबल, मतलब सॉल्यूशन बेनिफिट, 5 years ऑफ एक्सचेंज वारंटी, मतलब 5 साल में कुछ भी हुआ वी विल एक्सचेंज इट, नो क्वेश्चन आस्क्ड। बेनिफिट ट्रिगरिंग इमोशन। फिफ्थ रबर फोम इनसाइड, मतलब जर्क फ्री रनिंग, जर्क फ्री रनिंग, पैर नहीं मुड़ेगा सीधा पड़ेगा। बेनिफिट इमोशन ट्रिगर हो गए, मेरा पैर नहीं मुड़ेगा। सो अगर आप ये साइंस समझ लो कि आपने आज के बाद जब भी आपका कस्टमर आपकी शॉप में एंटर करे, आपके होलसेल ऑफिस में एंटर करे, आपके या आपका बंदा मार्केटिंग करने जाए रिटेल पे या होलसेल पे, उसने फीचर्स के साथ साथ उसके बेनिफिट भी बताने हैं, बेनिफिट भी बताने हैं उसके, ठीक है। मैंने एक एड देखी, मैंने एक ऐड देखी, उस पर लिखा था अग्रवाल सुपर स्टोर नया खुल गया, 15,000 स्क्वेयर फीट ऑफ एम्पल स्पेस, या सॉरी स्पेस,
शॉपिंग स्पेस, ठीक है। अब ये क्या है, फीचर है, बेनिफिट है, ये फीचर है। इसका बेनिफिट क्या है भाई, आपने इतना बड़ा स्टोर खोल दिया, उसका बेनिफिट होता है। बेनिफिट क्या है इसका, बेनिफिट क्या है कि भी हैसल फ्री शॉपिंग, डिस्टेंस बना रहेगा, रिलेशनशिप बनी रहेगी और गर्मी नहीं लगेगी, ये सब बेनिफिट हैं इसके। सो कन्वर्ट योर फीचर इनटू बेनिफिट, ठीक है। आपका प्रोडक्ट देख के आपके कस्टमर के माइंड में उस प्रोडक्ट के बेनिफिट ट्रिगर हो जाएं, वो मार्केटिंग करनी है, राइट। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव मी अ थम्स अप, इंपॉर्टेंट है मिस ना करना। कोई प्रॉब्लम, कुछ समझ नहीं आया, मेरे से पर्सनली बात कर लो व्हाट्सएप पे, ठीक है। आपका जो भी प्रोडक्ट है, फैब्रिक है, स्पेयर पार्ट्स हैं, चाहे आप सर्विस इंडस्ट्री में क्यों ना है, इनफैक्ट जैसे एग्जांपल कि मेरा एक पार्टिसिपेंट है, वो बनाते हैं, वो ही इज अ इंटीरियर डेकोरेटर, ठीक है। तो एग्जांपल इसका ये रहेगा, हम एक्स मटेरियल यूज करते हैं अपने डिजाइनिंग में, या फिर सपोज डोर्स क्रिएट करने में हम एक्स मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। अब वो मटेरियल का वो फीचर था, बेनिफिट क्या है कि इसको दीमक नहीं लगती, बेनिफिट उसका सोल्यूशन, मतलब उस बेनिफिट का इमोशन क्या है कि मुझे इतने साल तक और पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे नए दरवाजे पे, ठीक है। टर्न योर फीचर इनटू बेनिफिट एंड हिट द कस्टमर इमोशन, इसकी परफेक्ट लाइन है। टर्न द फीचर्स इनटू बेनिफिट, आपके पास जितने भी प्रोडक्ट हैं पहले उनके फीचर्स लिख लो, फिर बेनिफिट लिख लो। ब्रांड ऐसे बनेगा, ब्रांड मार्केटिंग करने से नहीं बनेगा भाई। बड़ा बड़ा नाम लिखवा दिया, एडिंग कर दी, होर्डिंग्स लगवा दिए, वो ब्रांड नहीं बनता, वो सब एक रिकॉल वैल्यू बनती है, वो भी बैठ जाती है कुछ संख्या, अगर आप मार्केट में एक्टिव नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट कुछ यूनिक फीचर्स वाला नहीं है, वो बैठ जाती है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द अमेजिंग वैल्यू, और अगेन अगर कोई बात करनी है उससे पर्सनली कर लो, बट इसको समझ लो कि कन्वर्ट द फीचर्स इनटू बेनिफिट एंड ट्रिगर हिट द इमोशन ऑफ द कस्टमर, राइट। बाय, टेक केयर, चेयर, सी यू।